दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर में वक्त हो चुका है वीकेंड के वार एपिसोड का, और ऐसे में फैंस ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड है कि आखिर इस बार वीकेंड के वार एपिसोड के दौरान घर के अंदर किस किस सदस्य की कौन कौन सी गलतियों पर क्लास लग सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हर बार की तरह सिंपल सा है कि यहाँ पर सबसे पहली क्लास तो अरमान मलिक की लगने वाली है, क्योंकि अरमान मलिक को पिछले हफ्ते समझाया गया था लेकिन इसके बावजूद अरमान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आपने भी देखा होगा कि पूरे हफ्ते अरमान मलिक जो है इधर की बात उधर करने में लगे हुए थे, लोगों के पीठ पीछे बातें बहुत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोगों के पीठ पीछे लोगों के सामने चुगलियां करते हैं। जैसे कि अभी नेजी और कटारिया का झगड़ा हुआ था, तो कटारिया की जो शिकायतें हैं वो लोगों के सामने कर रहे थे। कभी वो शिवानी कुमारी की जो चुगलियां हैं वो लोगों के सामने करते हैं, कभी किसी और कंटेस्टेंट की चुगलियां करते हैं, और फिर उन लोगों के सामने जाकर जो है अच्छे बने रहते हैं। उनकी गुड बुक्स में भी रहना है और उनके पीठ पीछे उनकी बैक बिचिंग भी करनी है। ये हरकतें कहीं ना कहीं अरमान की फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पर भी अरमान मलिक को फैंस के द्वारा इन्हीं हरकतों की वजह से ट्रोल किया जा रहा है, और इन्हीं हरकतों की वजह से आज अनिल कपूर हो सकता है कि अरमान मलिक पर थोड़े से भड़ास निकाल सकते हैं, उनकी क्लास लगा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। फिलहाल तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार वीकेंड के बार एपिसोड के दौरान किस किस की ओर क्लास लगती है, कौन कौन से मुद्दे पर क्लास लगती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इस मुद्दे पर अरमान मलिक की क्लास लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि वीकेंड के बाद एपिसोड से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले।